लो ध्यान देना, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बेसिक सा क्वेश्चन कैसा है, तो जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो ना, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में, तो आप लोग पता है कि इन प्रोडक्ट क्या होता है साइनाइड में, तो एच प्लस एच टू जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो सीरीन ग्रुप है चेंज होता है सी एच में। लेकिन ध्यान देना, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस में आपका स्टेप्स होता है। तो पहले जब आपका एच प्लस एच टू अटैक करता है तो ये पार्सली खुद को पहले भेजता है अमाइड में, यानी इसका पार्सली हाइड्रोलिसिस होता है। तो पार्सली खुद को भेजता है पहले अमाइड में, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये खुद को भेजेगा फिर वहां से एसिड में, यानी बीच में कहीं ना कहीं अमाइड एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म करने वाला है। तो ये आपके एनजीआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में अमाइड हो के जाता है एसिड में, यानी इसके बीच में जो ए बना होगा इसमें क्या करना है, एसिड से पहले क्या बनेगा बच्चों लोग, ये बनेगा अमाइड। तो आप देखो कि अमाइड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अमाइड लिखा हुआ बच्चों लोग ऑप्शन ए में, यानी आपका ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मिल हम आप जुड़े रहें हमारे साथ। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।